पेरोल के अंदर टीडीएस का जो पेहेड है वो कैसे बनेगा, सवाल ये है। तो ये नई कंपनी है, न्यू कंपनी के नाम से कंपनी बनाई है और यहीं पर हम पेहेड बनाएंगे। तो यहाँ क्रिएट पे चलेंगे और यहाँ पर आपको पेरोल मास्टर मिल जाता है। अगर ये ना दिखाई दे तो डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा और फिर यहाँ पर आपको पेहेड बनाना है, ठीक है। तो ये पेहेड है हमारा, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर पहला पेहेड बेसिक सैलरी बना लेते हैं, जो जनरल सी बात है, जो कई बार आप बना चुके हैं। तो ये बेसिक सैलरी और ये अर्निंग होती है और ये फिक्स्ड ही रहेगी जनरल मामलों में, और ये होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर ऑन अटेंडेंस करेंगे हम, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ अटेंडेंस टाइप्स इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं लीव विदाउट पे। तो यहाँ पर हमें बनाना है लीव, LEAVE लीव बना लिया हमने और इसको प्राइमरी में रख करके। और देखिए यहाँ पर सैलरी कटेगी अगर यहाँ पे हम एबसेंट रहते हैं तो, ठीक है। तो इसे लीव के नाम से मैंने कर दिया। आप चाहे तो अटेंडेंस भी कर सकते हैं या एबसेंट भी, एबसेंट कर सकते हैं, एबसेंट, ठीक है। एंटर किया। अब ये जो है ना मंथली हिसाब से सैलरी काउंट होगी और यहाँ पर कैलेंडर पीरियड कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हो गया इस तरीके से, तो ये पहला पेहेड हो गया, ठीक है। दूसरा हम बनाते हैं TDS, सॉरी TA, ये TA कर दिया। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही रहेगा, इसको फिक्स रखते हैं इस बार। और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और ये जो है ना मैं क्या करूंगा, कंप्यूटेड वैल्यू कर दूंगा और आगे आऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पर आकर के ये ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे, बेसिक सैलरी कितनी है। तो बेसिक सैलरी 20,000 तक है, ठीक है, 0 से 20,000 तक है। तो कितना कटेगा इस पे TA, TA कितना मिलेगा, तो 1% का मिलेगा। 20,000 से ज्यादा है और 30,000 तक है तो 1.5% का TA मिलेगा। 1.5% 1.5% कर देते हैं यहाँ पे, 1. पहले तो यहाँ परसेंट यूज करेंगे, ये परसेंट हो गया और यहाँ पे 1.5 कर देते हैं, ये 1.5 हो गया। 30,000 से चाहे जितना ज्यादा हो, कितना परसेंट आएगा, 3% आएगा, तो बस हो गया ये हमने बना लिया एक। और इसके बाद DA कर देते हैं, तो यहाँ पे DA हो गया। एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे फिक्स रखेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर आकर के ये क्या कर देंगे, कंप्यूटेड वैल्यू कर देंगे। और यहाँ पर आकर नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पर आकर वापिस से ये भी क्या है हमारा, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूले के आधार पर करेंगे और बेसिक सैलरी के ही आधार पर ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेसिक सैलरी 20,000 तक है तो ऐसे में कितना मिलेगा परसेंट, परसेंट मिलेगा यहाँ पे 1% कर देते हैं। 20,000 से ज्यादा 30,000 तक है तो यहाँ पे 1.5% कर देते हैं, 1.5%, ठीक है, ये हो गया 1.5। और उससे चाहे जितना ज्यादा हो 2% कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। इसके बाद से हम बनाएंगे PF। PF हमने आपको बताया था कि ये जो है क्या होता है, स्टेटरी डिडक्शन होता है, ठीक है, स्टेटरी डिडक्शन में करेंगे इसे। और यहाँ पर आकर के ये देखिए PF आ रहा है ना, तो यहाँ PF में इसे डाल देंगे। और ये PF जो है करंट लाइबिलिटीज में आता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं डालना, करंट लाइबिलिटी डालना है, ठीक है। एंटर करना है और यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के आधार पर हम ये कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की सैलरी कम होती है तो कम पर तो बहुत कम ही PF कटेगा, ठीक है। तो ये ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर दिया और बेसिक सैलरी के ही आधार पे सब कैलकुलेशन होगा। अगर 20,000 तक है बेसिक सैलरी तो ऐसे में 10% कटेगा, ठीक है। और अगर 20,000 से ज्यादा और 30,000 तक है तो यहाँ पर मान लीजिए कितना कट जाएगा, 12% कट जाएगा। और अगर 30,000 से ज्यादा और जितना ज्यादा हो तो उस पर 15% कटेगा PF, ठीक है। तो ये PF डिडक्शन होता है, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब ये करने के बाद अगला जो प्रोसीजर है हमारा वो क्या है, वो है TDS का। तो TDS कटेगा कब, जब सैलरी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर TDS है और ये TDS क्या होता है, TDS जो है यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स। अब देखिए ये है ना डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज होता है, ठीक है, क्या होता है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये कटेगा एम्प्लॉयज से कटेगा ये, ठीक है। एंटर करेंगे और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, अब देखिए ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है और यहाँ पर आएंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे। अब कैसे कैसे कटेगा ये थोड़ा सा डिसाइड करना होगा, ठीक है। और ये ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला ही लगाएंगे बेसिक सैलरी। अब आते हैं यहाँ पर, बेसिक सैलरी अगर 1,00,000 रुपए है महीने की, ठीक है, तो ये हो गया 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो कितना कटेगा TDS, TDS कटेगा कितना परसेंट, 5% काट दें, अदरवाइज हम यहाँ पे कर देते हैं 1,00,000 से चाहे जितना ज्यादा हो 10% कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ कर दिया है। अब हमें एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं एंट्री कैसे पास करेंगे। सबसे पहले हम अटेंडेंस बनाएंगे, तो यहाँ अदर वाउचर में चल के
और यहाँ अटेंडेंस पे जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करेंगे। इम्प्लॉई हमने क्रिएट ही नहीं किया, तो इम्प्लॉई एक है अमित कुमार, ये एम्प्लॉई है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर ग्रुप भी कोई नहीं बनाया तो प्राइमरी में ही डाल देते हैं, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे सैलरी को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है इनकी, तो बेसिक सैलरी है 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 हो गया, एंटर किया। और यहाँ पे डीए अपने आप आएगा तो डीए कर देते हैं, और पीएफ भी अपने आप कटेगा, कट गया, फिर टीए भी अपने आप, भी अपने आप कटेगा, ठीक है, ये सब कट जाए तो बस हो गया, 1 अप्रैल की सैलरी, 1 अप्रैल से मतलब जो भी इनकी सैलरी बनती होगी वो बन जाएगी, एंटर करेंगे। और डेजिग्नेशन ये है क्या, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है, फंक्शन है चार्टेड अकाउंटेंट का, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। लोकेशन है देवरिया का, और एंटर करेंगे, यहाँ पे मेल होगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है फिल मेल कर लीजिएगा, और एंटर करके एंटर करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। लीव लिया है कि नहीं लिया है, तो मान लीजिए 3 दिन ये लीव पे रहे हैं, छुट्टी पे रहे हैं, तो ये हो गया। अब इनका ये अटेंडेंस वाला हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब यहाँ से ऑटो फिल पे जाएंगे, ठीक है, अभी पहले तो हम वाउचर चेंज करेंगे, यहाँ से पेरोल में जाएंगे, कंट्रोल F4 करके जा सकते हैं और यहाँ पर आते हैं। चलिए इनको हम कैश में सैलरी देते हैं, आप चाहे तो बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अमित कुमार को ही देना है और यहाँ से ऑटो फिल कर लेना है, यहाँ पर ये हो जाएगा। और हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पे सैलरी ही दे देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि ये सपोर्ट नहीं करता है डेट, तो यहाँ पे 5 कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। और ये अमित कुमार का ही डिटेल एम्प्लॉई नेम के बेस पे ये कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है। कुल मिला के इनकी सैलरी थी 1,20,000, तो कटवट के कितना बना हुआ है, 90,154.84, ठीक है। इसमें डीए भी मिला है इनको और टीए भी मिला है, बावजूद इसके इनका टीडीएस जो कटा हुआ है वो 10,993 रुपए कटा हुआ है, और पीएफ भी कटा है 16,200, ठीक है, देख सकते हैं पीएफ भी कटा हुआ है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, और इसको अब एक्सेप्ट करा लेने की जरूरत है, तो यहाँ से ये एक्सेप्ट हो गया। और यहाँ से अब मैं आपको प्रिंट आउट दिखा देता हूँ कैसा ये दिखेगा, तो यहाँ से ये तो आपका प्रिंट आउट है, ठीक है, ये आपका बिल है, तो ये बिल तो ऐसे बनता है, लेकिन अभी मैं आपको पे स्लिप दिखाता हूँ कैसा पे स्लिप दिखेगा, ठीक है। पे स्लिप के लिए पेरोल रिपोर्ट्स पे जाना होगा, और यहाँ से पे स्लिप ऊपर ही नजर आ जाएगा, और यहाँ से अमित कुमार की पे स्लिप देखनी है तो यहाँ से अल्ट पी करिएगा, एंटर करिएगा और आई बटन प्रेस कीजिएगा, तो बस इनका पे स्लिप आपके सामने है, देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। टोटल डिडक्शन इनका कितना हुआ है वो देख ही रहा है, कितना डिडक्शन हुआ है, 1,193.55 रुपए, ये डिडक्शन हुआ इनका, ठीक है, समझ में आया। तो जो डिडक्शन हुआ है उसका अलग से कॉलम बन गया, देखिए ये पीएफ का और टीडीएस का अलग अलग से बना हुआ है, 10,993 रुपए टीडीएस कटा है और 16,200 ये कटा है आपका पीएफ कटा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात।